नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि आईलिड फॉलिंग यानी कि जब पलकें गिरती हैं इसका क्या कारण होता है, ये किस वजह से गिरती हैं, अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो क्या हो सकता है, खासकर तब जब आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, महिलाएं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करी हैं, तो इससे कैसे बचना चाहिए और इसके ये क्यों ज़्यादा गिरते हैं। देखिए, आईलैश फॉलिंग के जो कारण होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं कि बच्चों में होते हैं या बड़ों में, बड़े में होते हैं, तो आईलैश आईलिड मार्जिन को वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, वो सफाई नहीं मेंटेन करने से, सफाई अगर मेंटेन नहीं करेंगे या बालों में डैंड्रफ होगा और बाल का डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं लगाएंगे, बाल में सफाई नहीं रहेगा, तो वो डैंड्रफ आईलैशेज के जड़ में होता है। जड़ में होने के बाद वहाँ से वो जड़ को वो खुजली होगा और वो आईलैशेज गिरेंगे, उसको कहते हैं ब्लेफराइटिस। और उससे क्या होता है कि आईलिड मार्जिन का स्वेलिंग भी होता है, स्वेलिंग होता है, इचिंग होता है, आप नोचते हैं, आईलैशेज गिरता है। सबसे कॉमन कारण आईलैश गिरने के ये हैं, और उसके लिए स्क्वामस ब्लेफराइटिस को आपको देखना पड़ेगा कि आपके बाल में डैंड्रफ ना रहे। दूसरा कि आप रोज़ रात में सोते वक्त रुई को सुसुम पानी में करके आप अपने आईलिड मार्जिन को क्लीन करें कि डैंड्रफ वहाँ से निकल जाए। उसके बाद आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लेकर के आँख में ऐसे मले कि वो पूरे आईलिड मार्जिन पर भी जाए। ये आप करते रहेंगे। अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये सब सब ऑयली स्किन है तो उस से कम करना है एक बार, लेकिन वो करते रहें आप, तो इससे आप ब्लेफ्राइटिस से बचेंगे, और ब्लेफ्राइटिस से बचेंगे आप तो आपको आईलैशेस का फॉल नहीं होगा। और आईलैशेस ये भी होता है, गंदगी तो कभी कभी आंखों में से बच्चे स्कूल गोइंग गए, जाड़ा का टाइम हुआ, बच्चे को नहाना नहीं किए, गार्जियन केयर नहीं लिए, नहाया नहीं, आईलैशेस में कभी कभी तो लाइसेस जू जो कहते हैं जू हो जाते हैं, और जू को नोचने के क्रम में वो सारी बाल आईलैशेस के गिर जाते हैं। तो वो सब का यही चीज़ है कि आईलिड मार्जिन का लीड हाइजीन, लीड सफाई करना, बाल का जो डैंड्रफ बिना एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा के बाल साफ रखना, और अपने शरीर का हाइजीन मेंटेन करना कि जिससे कि आईलैशेस बच सके। इसके अलावा ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं तो ऑयली स्किन के लोग में आईलैशेस में आपको जो पोर्स होते हैं, इसके स्वेट ग्लैंड बंद होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि आप खिजनी कह लें, स्टाई कह लें, तो स्टाई में जब जख्म होता है तो जख्म के बाद वो वहाँ का आईलैश कमज़ोर हो जाता है तो वो भी गिर जाता है। तो अगर जख्म हो, अगर इन्फेक्शन हो, तो आप एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करें, लिड में मार्जिन में ऑइंटमेंट लगाएं, और ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक खाने की तो वो खा भी ले, लेकिन लिड का इन्फ्लेमेशन नहीं छोड़ना है, वो ट्रीटमेंट करना है। आप ट्रीटमेंट करेंगे, लिड अगर हेल्दी रहेगा, लिड अगर स्वस्थ रहेगा, लिड मार्जिन अगर स्वस्थ रहेगा, तो आपका आईलैश कभी नहीं फॉल करेगा। इसके अलावा आप अगर बहुत सारे क्रीम लगा लेते हैं तो कौन सा क्रीम आपके फ्रेंडली है, कौन सा क्रीम फ्रेंडली नहीं है, जज करना होगा आपको किसमें एलर्जी हो किसमें एलर्जी नहीं हो। इसके अलावा कभी कभी एलर्जी होती है, एलर्जी में आप बहुत विगरसली आईलिड मार्जिन को रब करते हैं, नोचते हैं, इतना विगरस नोचते हैं कि आपका आईलैशेस फॉल करने लगता है, तो उससे भी बचना है। तो कुल मिलाकर हम कह दें कि आईलैश मार्जिन लिड मार्जिन का हाइजीन लिड हाइजीन मेंटेन करें, सफाई मेंटेन करें, उसको हेल्दी रखें, उसको हेल्दी रखने से आपका आईलैशेस मजबूत होंगे, रूट्स मजबूत होंगे और आपका आईलैश नहीं गिरेगा। तो आपके लिए बाल की सफाई, डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाएं, जाड़ा का दिन हो या कुछ हो, बच्चों को इंश्योर करें कि वो नहाते हैं और नहा के करें, और आईलिड मार्जिन में आप रुई को गर्म पानी में करके, सुसुम पानी में करके आईलिड मार्जिन को क्लीन करें, क्लीन करें कि वहाँ के डैंड्रफ, वहाँ के क्रस्टिंग, वहाँ पे जो भी चीज़ें वो साफ़ हो। उसके बाद एंटीबायोटिक मलहम का प्रयोग करें कि फर्दर ना हो, लेकिन एंटीबायोटिक हमेशा दिया नहीं जा सकता है, तो एंटीबायोटिक 10 12 15 दिन में ठीक होने के बाद छोड़ दें, लेकिन बाल का जो रखना है विदाउट डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ वो ठीक है, और लीड हाइजीन मेंटेन करना है, ये क्रक्स है आपकी
लिड की भी, लिड भी स्वस्थ रहेगा, लिड मार्जिन भी स्वस्थ रहेगा और आपकी आईलैशेस भी नहीं गिरेंगी। तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।